तो दोस्तों नवंबर के महीने में दोस्तों एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है ओप्पो, जिसका नाम है दोस्तों ओप्पो के एकदम सक्सेसर सीरीज ओप्पो के रेनो 7। दोस्तों ये जो नया मोबाइल दोस्तों लॉन्च होने वाला है, मतलब कि ओप्पो के रेनो 7 सीरीज दोस्तों जल्दी लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर। दोस्तों वहीं इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलती है 6.4 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि दोस्तों ओलेड डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, जिसका दोस्तों स्क्रीन रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 1080x2400 पिक्सल्स का। दोस्तों इसका स्क्रीन रिजोल्यूशन बहुत ही बढ़िया आएगा, मतलब कि आप इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे कलर देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस देखने को मिलेगी वो शायद तक दोस्तों 1000 नीट से ऊपर की होने वाली है इसकी ब्राइटनेस। वो दोस्तों इस स्मार्टफोन के दोस्तों अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करता हूँ तो दोस्तों इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया बात है। दोस्तों एकदम मस्त वाला रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं और ज़्यादा आपका यूसेज होता है मोबाइल का डेली लाइफ में, तो दोस्तों ये मोबाइल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और दोस्तों इसमें आप गेमिंग करेंगे बहुत ही अच्छी खासी तगड़े ग्राफिक्स पे, दोस्तों बहुत एकदम मस्त वाले ग्राफिक्स पे दोस्तों आप इसके अंदर गेमिंग करेंगे। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 3 रैम वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों वहीं दोस्तों जो पहला वेरिएंट है वो है दोस्तों 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज। वहीं दोस्तों सेकेंड है दोस्तों 12GB प्लस 256। दोस्तों जो थर्ड वाला वेरिएंट है वो है दोस्तों 12GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज, मतलब कि दोस्तों आपको इसको अंदर स्टोरेज की दोस्तों भरपूर मात्रा देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिलेगी, कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों इसमें स्टोरेज के नाम पे। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, मतलब कैसा बोला जा रहा है इस महीने लॉन्च हो जाएगा। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, जिसके अंदर दोस्तों पहला कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है वो है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा प्लस 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा प्लस 13 मेगापिक्सल का कैमरा। अब दोस्तों ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा कौन सा है दोस्तों, वो तो फोन लॉन्च होने पर ही पता चलेगा कि दोस्तों कौन सा कैमरा हैगा ये 13 मेगापिक्सल का। अब दोस्तों पर 13 मेगापिक्सल का है, अगर दोस्तों मैक्रो कैमरा होगा तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और दोस्तों डेप्थ कैमरा होगा तो भी दोस्तों एकदम धमाकेदार हो जाएगा, मतलब कि इस बार दोस्तों कैमरे में दोस्तों कुछ दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों पहले से भी बहुत अच्छा अपग्रेडेड कर दिया दोस्तों इसके कैमरे के अंदर। वहीं दोस्तों इसमें भी आप पीछे के कैमरे की मदद से दोस्तों 4K 30fps पर दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। वहीं इसमें फ्रंट कैमरा दिया है दोस्तों 32MP का, मतलब कि दोस्तों मस्त 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है फ्रंट की तरफ, जिससे दोस्तों अगर आप सेल्फी लेते कुछ भी लेते दोस्तों बहुत ही बढ़िया सेल्फी आएगी इसके फ्रंट कैमरे की मदद से। वहीं दोस्तों जो ये स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एकदम धांसू वाली तगड़ी दोस्तों परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अंदर दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 888 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों 5G प्रोसेसर रहेगा, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है दोस्तों आज के टाइम पे दोस्तों, मतलब कि एकदम लाजवाब प्रोसेसर है। इसके अंदर दोस्तों आप अच्छी खासी गेमिंग कीजिए, जैसे गेमिंग करनी है वैसे गेमिंग कीजिए, हाई ग्राफिक्स पर कीजिए दोस्तों, हाई सेटिंग्स पर कीजिए, मतलब इसमें आपको जो गेमिंग का मज़ा आने वाला है बहुत बढ़िया आएगा तगड़ा दोस्तों। और दोस्तों वहीं ये स्मार्टफोन दोस्तों एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड रहेगा, और दोस्तों ये स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों आपको कलर ओएस का फीचर देखने को मिलेगा, मतलब कि दोस्तों कलर ओएस का यूआई देखने को मिलेगा, मतलब एकदम मस्त वाला यूआई आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है दोस्तों। वहीं इसकी अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो दोस्तों ये स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो दोस्तों लगभग मेरे ख्याल से दोस्तों 50,000 के आसपास रहेगी इसके बेस वेरिएंट की। वहीं दोस्तों जैसे कि पहले वाली जो दोस्तों सीरीज थी ओप्पो रेनो 6 उसी टाइप का दोस्तों ये स्मार्टफोन है, और दोस्तों जो इसकी डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है दोस्तों। बीच में दोस्तों आपको साइड में दोस्तों पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, एकदम मस्त डिज़ाइन, और पीछे की तरफ दोस्तों एकदम अलग से दोस्तों कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है एकदम न्यू डिज़ाइन का। दोस्तों कैमरे का दोस्तों मॉड्यूल है वो दोस्तों बहुत अच्छा कटआउट दे रखा है इसमें, ज़्यादा बड़ा दोस्तों आपको इसमें कैमरे का कटआउट देखने को नहीं मिलता है, एकदम दोस्तों ज़्यादा थिक नहीं दोस्तों, एकदम थिन देखने को मिलता है ऐसा है। और वहीं दोस्तों बहुत बढ़िया मोबाइल है दोस्तों, इसकी जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी वो भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो कि दोस्तों ज़्यादातर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, और वही दोस्तों जो ज़्यादातर मतलब कि अपने डेली लाइफ यूसेज के लिए और दोस्तों कैमरा के लिए लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो ओप्पो रेनो 7 प्रो के बारे में, इसके स्मार्टफोन की लॉन्च डेट प्राइस स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं होगा, एक फ्री में दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और दोस्तों बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वो वहीं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों आप ओप्पो रेनो 7 प्रो वाले मोबाइल के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, और ये भी बता दीजिएगा दोस्तों कि आपको कौन से नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों
मतलब कौन से नेक्स्ट गैजेट के रिव्यू पे दोस्तों आपको वीडियो चाहिए। और दोस्तों आप ये भी बताइए कि दोस्तों हम YouTube शॉर्ट्स बनाएं या नहीं बनाएं, या हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर टेक बड़ी ईशान।